हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आज का टॉपिक है हमारा क्राउन डाउन टेक्निक। इसके पहले हमने स्टेप बैक टेक्निक और आरसीटी की सारी प्रोसीजर्स पे वीडियो बनाया हुआ है। उन वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक से वीडियो आप देख सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए आते हैं अब हमारे वीडियो में। तो क्राउन डाउन टेक्निक, तो सबसे पहले क्राउन डाउन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम कोरोनल पोर्शन को पहले प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम नीचे अपाइकल पोर्शन की तरफ जाते हैं। तो क्राउन से हम अपेक्स की तरफ जाते हैं, इसलिए इसको क्राउन डाउन टेक्निक बोलते हैं। और इसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसमें प्रेशर नहीं लगाते हैं, अपाइकल प्रेशर इनमें नहीं लगाते हैं, इसलिए इसको प्रेशर लेस टेक्निक भी बोलते हैं। तो क्राउन डाउन प्रेशर लेस टेक्निक भी इसको बोलते हैं। तो क्राउन डाउन टेक्निक में जो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो मैं पहले बता देता हूँ, इनको याद करते हुए आप चले। सबसे पहले पॉइंट जो है वो हम कोरोनल पोर्शन को पहले प्रिपेयर करेंगे और कोरोनल पोर्शन को प्रिपेयर करते हुए अपेक्स की तरफ जाएंगे। इसके बाद हम इसमें जीजी ड्रिल्स का यूज करते हैं, गेट्स की ड्रिल्स का हम इसमें यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट जो है, लार्जर नंबर की फाइल से हम स्मॉलर नंबर की फाइल को इसमें यूज़ करेंगे। पहले हम लार्जर नंबर की फाइल यूज़ करेंगे, फिर छोटी फाइल की तरफ हम इसमें जाएंगे। तो मेनली आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो क्राउन डाउन टेक्निक में कैनाल प्रिपरेशन होती है वो राउंड शेप में होती है, स्टेप बैक टेक्निक से कंपेयर करें तो काफ़ी राउंड शेप में इसकी प्रिपरेशन होती है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, क्या प्रोसीजर होगी आगे। प्रोसीजर में सबसे पहले आपको एक्सेस ओपनिंग करना है, स्ट्रेट एक्सेस ओपनिंग करना है। एक्सेस ओपनिंग करने के बाद कैनाल को आप लोकेट करेंगे, 8-10 नंबर की फाइल से कैनाल लोकेट कर लीजिए। फिर उसके बाद 10 नंबर और 15 नंबर की फाइल तक आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब हम कोरोनल प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जो हमारा कैनाल होगा उसका कोरोनल 2/3 पार्ट जो होगा वो हम पहले प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हम गेट्स ग्रेडियंट ड्रिल का यूज़ करेंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, आपने एक्सेस ओपनिंग किया, इसमें आपको इरिगेंट डालना है, सोडियम हाइपोक्लोराइट सलाइन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपको फिल करना है। उसके बाद हम जीजी ड्रिल्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लार्जर नंबर की ड्रिल्स हम यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर स्मॉलर नंबर की। तो जीजी ड्रिल्स का जो यूज़ करना है वो कैसे करना है, आपको हमारी कैनाल है जो बड़ी जीजी ड्रिल्स होगी उसको हमको यहाँ तक रखना है। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे पोजीशन हमारी नीचे होती जाएगी, जहाँ तक हमको कोरोनल प्रिपरेशन करना है वहाँ तक। फोटो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है जो आप ड्रिल यूज़ कर रहे हैं वो सभी एक ही पोजीशन में नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए जो बड़ी ड्रिल है उसको भी आप यहाँ इस पोजीशन तक करते हैं और बाकी ड्रिल्स को भी इस पोजीशन तक करते हैं, उससे होता क्या है, जो डेंटिन है वो ज़्यादा कट हो जाता है और जो रूट है वो वीक होती हैं। और उसमें जब रेडियोग्राफ हम लेते हैं तो एक कोक बॉटल अपीयरेंस उसको हम बोलते हैं, फोटो में आपको दिखाता हूँ, इस तरीके का अपीयरेंस दिखता है, इसको हम कोक बॉटल अपीयरेंस बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, इससे रूट्स वीक होती हैं तो ये आपको अवॉइड करना है। तो जब भी आप जीजी ड्रिल यूज़ करेंगे आपको सिक्वेंस में करना है, बड़ा ड्रिल फिर छोटा ड्रिल फिर छोटा ड्रिल नीचे की तरफ जाते हुए। तो जीजी ड्रिल्स का हमने यूज़ कर लिया, कोरोनल प्रिपरेशन कर ली। इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्किंग लेंथ लेते हैं। अब हम वर्किंग लेंथ ले लेंगे, 10 नंबर की फाइल और 50 नंबर की फाइल प्लेस करके हमारी वर्किंग लेंथ हम ले लेंगे। मान लीजिए हमारी वर्किंग लेंथ 20 mm आई हुई है। अब हम इसको प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, अपेक्स की तरफ हम प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। उसके लिए क्या करना है, हमें बड़ी फाइल लेना है। तो बड़ी फाइल से हम अब छोटी फाइल की तरफ जाएंगे। स्टेप बैक टेक्निक और काउंट डाउन टेक्निक में ये भी एक डिफरेंस है, उसमें हम छोटे से बड़ी फाइल की तरफ जाते हैं, इसमें हम बड़े फाइल से छोटी फाइल की तरफ जाते हैं। तो बड़ी फाइल आप यूज़ करेंगे तो 60 नंबर की के फाइल आप यूज़ कर सकते हैं। तो 60 नंबर की फाइल जहाँ तक भी जाती है, अगर यहाँ तक जाती है तो वहाँ तक ही आपको प्रिपेयर करना है, इसमें प्रेशर आपको नहीं लगाना है। जैसे हमने कहा प्रेशरलेस टेक्निक भी इसको बोलते हैं। इसके बाद फिर आप 55 नंबर की फाइल, 50 नंबर की फाइल
ऐसे ही हम यूज़ करते जाएंगे, कब तक? वर्किंग लेंथ तक। वर्किंग लेंथ जो भी है हमारी, वहाँ तक हमको छोटी फाइल की तरफ जाते हुए वर्किंग लेंथ तक हमको पहुँचना है, जो 20 mm हमारी है वहाँ तक हमको पहुँचना है। और पूरी प्रोसीजर करते समय आपको ध्यान में क्या रखना है, इरिगेशन आपको करते जाना है हर इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद, और साथ ही साथ रिकैप्चुलेशन आपको करते जाना है छोटी फाइल से, 10 नंबर 15 नंबर की फाइल से रिकैप्चुलेशन आपको करते जाना है। रिकैप्चुलेशन को और अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो स्टेप बैक टेक्निक वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। तो ये पूरा क्राउन डाउन टेक्निक का प्रोसीजर है, सिंपल वे में समझे तो ये प्रोसीजर है। और क्राउन डाउन टेक्निक का एडवांटेज थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। स्टेप बैक टेक्निक के बाद क्राउन डाउन टेक्निक आया है, क्राउन डाउन टेक्निक को स्टेप बैक टेक्निक से अच्छा माना जाता है। एडवांटेजेस ये है कि इसमें हम राउंड प्रिपरेशन करते हैं केनाल की, उसमें हम टेपर प्रिपरेशन कर रहे थे, तो राउंड प्रिपरेशन करते हैं तो ऑब्चुरेशन करने में हमको आसानी होती है। कोरोनल पोर्शन को हम पहले ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो जो डेब्रीज हैं उनको निकालने में आसानी होती है, जो हम इरिगेशन करते हैं वो पूरा अपेक्स तक अच्छे से जा सकता है। तो ये था क्राउन डाउन टेक्निक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, और कुछ सजेशंस है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।